गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग मैम। कैसे हैं आप सब? मैं ठीक हूं। आज बेटा हम जो क्रियाकलाप करने जा रहे हैं उसमें हम देखेंगे कि उबले हुए चावल पर आयोडीन का क्या असर होता है, ठीक है। और इसी चावल को जब हम चबाते हैं, ठीक है, और फिर हम उसमें आयोडीन डालते हैं तो उस पर क्या असर होता है। तो उसके लिए हमने ले लिया है आयोडीन, हमारे पास उबले हुए चावल हैं, हमने दो टेस्ट ट्यूब ले ली है, परख नली ले ली है, ए और बी करके उनको मार्क दे दिया है, एक ड्रॉपर है हमारे पास और थोड़ा सा पानी है। अब हम सबसे पहले क्या करेंगे कि जो हमारे पास परख नली ए है उसे ले लेंगे और उसमें थोड़ा सा चावल डालेंगे और थोड़ा सा पानी डालकर इसको डाइल्यूट करेंगे। चावल मैंने ले लिया है, थोड़ा सा मैं मैश कर रही हूँ इसको, ठीक है। और मैं इसको कहाँ डाल दे रही हूँ? परख नली के अंदर, ठीक है, ये परख नली के अंदर डाल दिया। अब हम इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे, ये बन गया हमारे पास परख नली ए, ठीक है। अब हम परख नली बी है उसको ले रहे हैं और इसमें क्या करेंगे, हम चबाया हुआ चावल जो इसमें डालेंगे, ठीक है। अब थोड़े से चावल मैं लेती हूँ और उसको अपने मुंह में रख लेती हूँ, चबाती हूँ। जो भी चावल है वो मैंने कहाँ पे ले लिया, परख नली में, और थोड़ा सा इसमें पानी डाल देते हैं। दो टेस्ट ट्यूब जो है वो आ गई है, एक है ए और ए है बी, ठीक है। एक ए में जो है उबला हुआ चावल है पानी के साथ, और जो बी है उसमें क्या है, चावल है, चबाए हुए चावल है लार के साथ जो है, ठीक है। अब देखते हैं कि ए और बी दोनों परख नलियों में आयोडीन का क्या रिएक्शन होता है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक या दो ड्रॉप जो है हम आयोडीन के लेंगे और इसमें डालकर देखेंगे। ये आपकी ए परख नली है, क्या हो रहा है, जो कलर है एकदम से चेंज हो गया है ना, क्या यहाँ पे कैसा रंग नीला आ गया है ना, इसका मतलब क्या हुआ कि मंड जो है इसमें उपस्थित है। अब इसे पकड़ना बेटा। अब बी जो चावल मैंने चबा कर इसमें डाले हैं, अब देखते हैं इसमें क्या असर होता है, क्या इसमें वही चीज होती है या नहीं होती है। अब ये देखो बेटा, इसका कलर और इसका कलर डिफरेंस, ठीक है। इसका मतलब है कि यहाँ पे जो चबाए हुए चावल थे उसमें लार थी, ठीक है, जिसकी वजह से आयोडीन जो सॉल्यूशन था जब इसके अंदर डाला गया तो उसने अपना काम नहीं किया। देख सकते हो कोई कलर जो है इसमें है, जिस तरह का कलर जो है आपको उबले हुए सिंपल चावलों में मिला है। हमारे मुंह में जो है मंड पचना शुरू हो जाता है, वो किसकी वजह से, एक एंजाइम होता है, माइलेज एंजाइम होता है, जिसकी वजह से मंड पच जाता है। इसीलिए ये आयोडीन सॉल्यूशन के साथ कोई भी कलर नहीं लेता है।